पंजाब में राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के यहाँ पर इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे में पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने लक्सर में यहाँ पर हुई परिवर्तन रैली की महासभा में कहा है कि मैं माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में यहाँ पर ऐसा क्षण भी आए जब उत्तराखंड में एक गरीब दलित का बेटा सीएम बने। उनके इस बयान से जहां एक तरफ कांग्रेस में रार दिखाई देने लगी है और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने यहां पर सीधे तौर पर हरीश रावत पर निशाना साधते तो हुए कहा है कि 2002, 2012 और साथ 2013 में भी दलित ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। उन्होंने इशारे इशारे में यहां पर कहते हुए कहा है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। देखिए, हरीश रावत जी के लिए तो उन्हीं की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कह दिया कि हरीश रावत जी क्या बोलते हैं। वो उम्र के उस पड़ाव में कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या बोलते हैं। हरीश रावत जी अभी कुछ दिन पहले अपने चेहरे की वकालत कर रहे थे। 2017 में उनके चेहरे के साथ क्या हुआ ये उत्तराखंड की और देश की जनता ने देखा है। हरीश रावत जी के इस बयान पर उनके नेता प्रतिपक्ष का खुद बयान आ गया है कि 2017 में और उससे पहले हरीश रावत जी का दलित प्रेम कहाँ था। तो कंट्रडिक्शन उनके पार्टी के पास है। जो पार्टी दलित मुख्यमंत्री पंजाब में कहे कि पहला दलित मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया है, जो पार्टी 55 साल राज करे और 55 वर्षों में पहली बार दलित की बात करने वाली, दलित को मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी कहे कि उनका दलित प्रेम है। कांग्रेस का दलितों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को एक वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का काम किया है। कांग्रेस ने कभी दलित उत्थान के लिए काम, मेरी जानकारी में नहीं है प्रीतम सिंह जी ने क्या कहा। अगर मेरी जानकारी और उनका स्टेटमेंट मैं खुद सुनूंगा तो उसके बाद ही प्रतिक्रिया दूंगा। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं सुनूंगा तो तब उसके बाद। मैंने दलित चेहरे पर लेकर मैंने कल कह दिया, जो कह दिया उसको आपने समाचार पत्रों में भी चैनलों में भी देखा होगा। तो ये अपने आप में महान अवसर होते हैं, अनुकरणीय अवसर होते हैं। और मैं परमपिता परमेश्वर से, माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में भी एक क्षण ऐसा आए जब मैं उत्तराखंड में एक दलित गरीब शिल्पकार के बेटे को इस राज्य का मुख्यमंत्री देख सकूं। हम उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि जो दलित वर्ग है आज कितना हमारे साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है। इतिहास में महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने कितने वर्षों तक कांग्रेस को सहारा देकर के केंद्र और राज्यों में सत्ता में पहुंचाने का काम किया।